नमस्ते इंडिया, ये जो वीडियो है ये शीत युद्ध को आगे बढ़ाएगी। हमने पहली वीडियो में शीत युद्ध के बारे में पढ़ा था कि शीत युद्ध का जो आरंभ है 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो हमने पार्ट वन में क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये जो टॉपिक है शीत युद्ध का दौर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको कई सारे वीडियो में कवर करना पड़ेगा। एक वीडियो में ये कवर नहीं हो पाएगा, तो इसके पार्ट आते रहेंगे। अगर आपको अच्छे से समझना है तो मेरी वीडियो को देखते रहना ताकि आपको समझ में आएगी। सबसे पहले बात करेंगे कि शीत युद्ध है क्या, ये शीत युद्ध का दौर कहाँ से चालू हुआ। तो सामान्य तौर पर माना जाता है कि जो शीत युद्ध का आरंभ था, जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद ही शीत युद्ध चालू हो गया। देखा होगा आपने कि यहाँ पर 6 अगस्त 9 अगस्त हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम से अटैक किया था, वो भी 1945 में। मतलब 6 अगस्त में हिरोशिमा और 9 अगस्त में नागासाकी, 1945 में अमेरिका के द्वारा परमाणु बम से अटैक किया गया था। तो उसके दौरान जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद ही दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई और शीत युद्ध का आरंभ हो गया। तो शीत युद्ध था क्या? तो शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच एक तनावपूर्ण वातावरण था। तनावपूर्ण वातावरण का मतलब क्या है कि दोनों ही महाशक्तियां के जो विचार थे वो बहुत अलग थे, दोनों महाशक्तियों का नजरिया अलग था, फिर भी ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप नहीं ले पाया। ध्यान रखना कि दोनों ही महाशक्तियां, कौन सी महाशक्तियां, अमेरिका और सोवियत संघ को उस समय यूएसएसआर बोला जाता था। ध्यान देने की बात है कि शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के विचार बहुत अलग थे, तनावपूर्ण वातावरण था, फिर भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। इसका मेन रीजन था कि दोनों ही महाशक्तियां परमाणु संपन्न थी। अगर दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे पे परमाणु बम से अटैक करती तो कहीं ना कहीं ये युद्ध रक्त रंजित हो जाता, लेकिन ये जो युद्ध था वो रक्त रंजित युद्ध ना होकर विचारधाराओं का युद्ध था। मतलब कि शीत युद्ध एक वास्तविक युद्ध ना होकर विचारधाराओं का युद्ध था जो भय ईर्ष्या पर आधारित था। मतलब इसमें कोई भी रक्त रंजित या परमाणु बम का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन ये जो युद्ध था टोटली विचारधाराओं का युद्ध था। कौन सी दो विचारधाराओं की बात की जा रही है शीत युद्ध में? तो दोनों ही महाशक्तियों की विचारधाराएं थी वो अलग थी। जैसे जो मैंने बताया सोवियत संघ की जो विचारधाराएं थी जिसको यूएसएसआर से प्रतिपादन किया जाता था, तो उसमें सोवियत संघ समाजवादी विचारधाराओं को अपनाता था। तो समाजवादी विचारधाराएं क्या विचारधाराएं हैं? तो समाजवादी विचारधारा में उत्पादन के सभी क्षेत्रों पर, मतलब जितने भी प्रोडक्शन एरियाज हैं उन पर राज्य का नियंत्रण होता है और इसमें निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है। मतलब कि आपके पास कुछ भी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का राइट नहीं है, सभी का जो है सब पर राज्य का नियंत्रण होगा, एक नियोजित प्रणाली होगी और वो राज्य ही तय करेगा। तो उस समय यूएसएसआर समाजवादी विचारधाराओं को ही फॉलो करता था, जिसमें बताया गया है कि समाजवादी विचारधारा में उत्पादन के सभी क्षेत्रों पर राज्य का नियंत्रण होगा। मतलब राज्य ही तय करेगा कि किसको कितना बांटना है, कैसे बांटना है, कहां बांटना है, ये सब राज्य के द्वारा होगा। वहीं अमेरिका के द्वारा एक विचारधारा थी जिसको पूंजीवादी विचारधारा बोला जाता है। इस विचारधारा में विकास का जो काम है पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे होता है। मतलब आपने आज भी देखा होगा कि जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, जो MNC बोला जाता है, मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनी, उन सब पे निजी स्वामित्व होता है। तो और इनका एक ही मोटिव होता है कि लाभ के उद्देश्य से बनाई जाती है। तो अमेरिका की उस समय जो पॉलिसी थी, विचारधारा थी, कॉन्सेप्ट था, आइडियोलॉजीज थी, अप्रोचेस थी, ये जो भी विचारधारा थी वो पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे होता था। सभी योजनाएं लाभ के उद्देश्य से बनाई जाती थी। कहने का मतलब यही है
क्योंकि पूरा का पूरा जो सीट युद्ध है एक विचारधारा का युद्ध है, दोनों विचारधाराएं अलग हैं। समाजवादी विचारधारा सोवियत संघ को प्रतिपादित करती है और पूंजीवादी विचारधारा अमेरिका को प्रतिपादित करती है। तो यही आपको समझाने का इस सबसे मेन मोटिव था कि सीट युद्ध का बेस क्या है। आगे और वीडियोज आएगी, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कॉमेंट्स करके बताना कि और वीडियो डिटेल में बनाई जा सके और भी हम आगे इससे ग्रेटिव बनाएंगे। नमस्ते इंडिया।